दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रेरणा को अवार्ड से किया गया सम्मान। सूरत में स्थित जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2021-2022 से बिहार के सारण छपरा से सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों के बीच सेवा का कार्य करती आ रही है, जैसे कि शहर से पोषण दूर जरूरतमंद इलाके में जाकर कपड़े वितरण करना, असहाय बुजुर्ग जरूरतमंद लोगों को बीच सैकड़ों की संख्या में कंबल वितरण करना, बेघर लोगों को सहारा दिलाना, मेडिकल में असमर्थ लोगों की सहायता करना और मृत शरीर को जो समर्थवान नहीं है उनको उनकी जन्मभूमि एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाना, ऐसा घायलों की मदद भी करना तथा रक्तदान, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, वृक्षारोपण करना एवं अन्य सामाजिक कार्यों में संस्था के द्वारा सहयोग करना। इस संदर्भ में जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक कुंदन कुमार झा ने कहा कि देश विदेश में अग्रसर सामाजिक संस्था फेस्ट ऑफ फ्यूचर इंडिया के द्वारा हमारी संस्था के उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2021-2022 से सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक कुंदन कुमार झा ने कहा कि अवार्ड भारत के सिर्फ इन्हीं 3 संस्थाओं को प्राप्त होता है, जिससे सूरत गुजरात में हमारी संस्था जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट को यह पुरस्कार मिला। यह पूरे गुजरात वासियों के साथ आशीर्वाद एवं हर्ष का विषय है। सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत, जज्बे, हिम्मत की जीत है। संस्था के संस्थापक कुंदन कुमार झा ने बताया कि कोरोना काल में संस्था द्वारा शहर के दूर मजबूर लोगों को हर रोज 2500 से 3000 लोगों के बीच पका हुआ भोजन वितरण करना, जरूरतमंद लोगों को भोजन के खाद्य सामग्री उनके घर तक पहुंचाना, खाद्य सामग्री वितरण करना, जरूरतमंद लोगों को घर तक दूध पहुंचाना, कोरोना योद्धाओं के बीच जाकर मास्क, पानी एवं सैनिटाइजर वितरण करना, दूसरे राज्य में फंसे मजबूर लाचार लोगों को संस्था के माध्यम से सरकार से ट्रेन की मांग कर 1900 लोगों को उनके जन्मभूमि तक पहुँचाना एवं जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना आज सेवा का कार्य किया जाता है। ताजा समाचारों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।